राज्य का सम्राट होने का क्या लाभ, जहां मैं हर दिन एक कठपुतली की तरह नचाया जाऊं, अपनी इच्छा से उठ नहीं सकता, अपनी इच्छा से बैठ नहीं सकता, अपनी इच्छा से प्रेम नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर सकता। मेरा विवाह भी आचार्य के लिए एक राजनीति है। जब से यहां आया हूं, चैन से कमरे में सो तक नहीं सका हूं। कौन हूं मैं, सम्राट या आचार्य विष्णुगुप्त के इशारों पर नाचने वाला एक दास? नहीं बनना मुझे सम्राट, नहीं चाहिए मुझे यह साम्राज्य, नहीं होगा यह राज्याभिषेक। समाहर्ता सम्राट, रोक दो यह राज्याभिषेक। ये क्या सुन रहा हूं मैं चंद्रगुप्त? आपने ठीक ही सुना है आचार्य, नहीं बनना मुझे मगध का सम्राट। क्यों? जब से यहां आया हूं, अपनी इच्छा से सांस तक नहीं ले सका हूं। आपने मुझे एक महान स्वप्न दिया था, चक्रवर्ती सम्राट का स्वप्न, एक महान साम्राज्य का स्वप्न। परंतु यहां आने के बाद पता चला कि आचार्य विष्णुगुप्त के लिए सम्राट एक वेतन लेने वाले नौकर से बढ़कर कुछ नहीं। तूने ठीक ही समझा है चंद्रगुप्त, मेरे लिए सम्राट समाज के नौकर से बढ़कर कुछ नहीं। तो रखें अपना साम्राज्य, नहीं बनना मुझे सम्राट, यदि यही सुख है सम्राट होने का। चंद्रगुप्त, तुझे सुखी होना है? क्या सम्राटों को सुखी नहीं होना चाहिए? मूर्ख, जब तक तेरे साम्राज्य में एक भी व्यक्ति भूखा है, तो क्या तू सुखी हो पाएगा? सुख शिक्षक और सम्राटों के भाग्य में नहीं होता। भूल गया तू चंद्रगुप्त, मैंने तुझे साम्राज्य देने का वचन दिया था, सुख देने का नहीं। भूल गया तू कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है। भूल गया तू कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। सुख चाहता है तो पहले अपनी प्रजा को सुखी बना। तूने साम्राज्य अर्जित किया है, सुख अर्जित करने का मार्ग भी तेरे लिए खुला है। स्वस्ति न इंद्रो वृतश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चंद्रगुप्त, ये राष्ट्र तुम्हें सौंपा जाता है, तुम इसके संचालक, नियामक और उत्तरदायित्व के दृढ़ वाहन करता हो। यह राज्य तुम्हें कृषि के कल्याण, संपन्नता और प्रजा के पोषण के लिए दिया जाता है। अपने महान गुरु के महान शिष्य चंद्रगुप्त ने अर्थ का ऐसा पाठ पढ़ा कि अपने जीवन के अंत काल में 40 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किए। क्यों? क्योंकि अपने जीवन के अंत समय में चंद्रगुप्त के राज्य में भीषण अकाल के कारण लोगों के पास अन्न नहीं था। महान गुरु, महान शिष्य, महान आदर्श। अपने महान शिष्य के लिए महान गुरु ने कौटिल्य के नाम से अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। रसिकों, अर्थ और सुख जीवन की आवश्यकताएं हैं, किंतु गलत रास्तों से अर्जित अर्थ अनर्थ है। सही रास्तों से अर्जित अर्थ ही आपको सुख की ओर ले जाता है। इसीलिए तैत्तिरीय व प्रश्नोपनिषद में पहले शुद्ध बुद्धि और बाद में धन की कामना की है। कारण स्पष्ट है, धर्म है तो अर्थ है, अधर्म है तो अनर्थ है।